नमस्कार किसान भाई, आज आपको हम जानकारी देंगे 72/50 की। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी ये बताएंगे आपको। आप वीडियो में बने हुए रहना, एंड तक अपनी वीडियो देखना, हम आपको जानकारी देंगे और सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसमें क्लच प्लेट ख़त्म हो चुकी थी और यह आपको मैंने बुरा बताया था, क्लच प्लेट का इस तरीके से बुरा बन चुका है ये। और इसमें जो जो प्रॉब्लम आई है वो आपको हम बताएंगे। इसकी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट का तवा, फिंगर, रिलीज बेरिंग और दोनों क्लच प्लेटें ख़त्म हो चुकी थी ये बताएंगे आपको। ये ट्रैक्टर खुल चुका है, इसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगी पूरी। इसमें ये प्रेशर प्लेट लगी हुई है आगे, इस प्रेशर प्लेट को हम खोलकर आपको बताएंगे। और इसमें ये बुरा पड़ा है क्लच प्लेट का, देखिए आप इसको, क्लच प्लेट पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। क्लच प्लेट ख़त्म होने का कारण क्या है? हाफ क्लच में ट्रैक्टर अगर चलता है तो उससे क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म हो जाती है। हाफ क्लच में ट्रैक्टर नहीं चलाना चाहिए। अगर हाफ क्लच में ट्रैक्टर नहीं चलाओगे आपकी क्लच प्लेट ख़त्म नहीं होगी। ये क्लच प्लेट की हालत देखिए आप, किस तरीके से निकली है, या ये लोहा नज़र आ चुका है क्लच प्लेट का। देखिए आप इसको, देखिए आप क्लच प्लेट का लेदर जो रहता है वो पूरा गायब हो चुका है। एक साइड लेदर है, दूसरी साइड लेदर नहीं है। और ये तवा देखिए आप, ये तवा भी ख़त्म हो चुका है पूरा, ये भी नया डालना पड़ेगा। इसकी जो फिनिशिंग है वो सारी ख़त्म हो चुकी है और फ्राइल इसका बच चुका है, फ्राइल में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, ये इसका प्रेशर प्लेट तवा है और इसको पुलर लगा के खोला जाएगा। इसको इस तरीके से खोलते हैं हम, इस तरीके से खोलना चाहिए इसको, आपको हम खोल के बताएंगे प्रेशर प्लेट किस तरीके से खोला जाती है। इस तरीके से इसका दबाव दिया जाता है। अब आपको डायरेक्ट पेचकस उठाकर इसमें पीने लग रही है और हथौड़ी से ठोक के निकालना चाहिए। फिर इसके बाद आपको पिन को ठोकना चाहिए। इसमें क्वार्टर पिन लगी हुई है मगर आप इसको ठोकोगे तो डायरेक्ट क्वार्टर पिन टूट जाएगी। वो आपको सब ऐसा कैसे निकालना है। फिर उसके बाद इस पुलर को ढीला करना है। यह पुलर पूरा खुलने के बाद फिर आपको पुलर को रखना है। फिर उसके बाद में आपको सामान बताएंगे कौन कौन सा सामान ख़राब हो चुका है इसका प्रेशर प्लेट में। ये प्रेशर प्लेट के असेंबली तवा है, ये कम्प्लीट है। ये बिल्ली बिल्ली स्प्रिंग है, ये भी कम्प्लीट है। ये पिटर साफ्ट तवा, ये भी सही साठ है। ये क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है। ये प्रेशर प्लेट का एक और तवा, तीन कोनों, चार कोनों वाला, छः कोनों वाला, ये भी ख़राब हो चुका है। ये स्प्रिंग है 12, ये भी ख़त्म हो चुकी है इसकी। ये तवा पूरा ख़त्म हो चुका है, प्रेशर प्लेट का तवा। ये फिंगर भी ख़त्म हो चुके हैं इसके। इसकी स्प्रिंग है इसलिए चेंज करना चाहिए। अगर अपन स्प्रिंग चेंज नहीं करते हैं, गर्म होके क्या स्प्रिंग का टेम्पर ख़त्म हो जाता है। अगर स्प्रिंग चेंज नहीं करेंगे क्लच प्लेट की ऐसी हालत बन जाएगी, नई क्लच प्लेट भी ख़राब हो जाएगी वापस। उसके लिए आपको ये तवा नया डालना है, नया तवा है टेपे कंपनी का, ओरिजिनल ये। इसमें डीजल का कपड़ा लगा के इसको साफ़ करना चाहिए और फिर इसे अच्छा साफ कपड़ा मारकर पलटा कर रखना चाहिए। फिर इसमें आपको फिंगर किट, ये फिंगर किट है, फिंगर किट फाड़ कर दे। इसमें फिंगर किट पत्ती वगैरह जमाना चाहिए, इस तरीके से जमती है पत्ती वगैरह। पत्ती में कटाव रहता है, कटाव बाहर साइड में रहेगा और पीने से डलेगी। इसके बाद क्वार्टर पिन लगानी है आपको, ये फिंगर कंप्लीट ऐसा करना है। फिर इसके बाद आपको पिन लगानी है, पिन के बाद क्वार्टर पिन लगानी है। तीनों फिंगर को इस तरीके से कंप्लीट करना है आपको। फिर इसको उठाकर इसकी क्वार्टर पिन लगानी है आपको। ये इसमें क्वार्टर पिन आपको मोड़नी है फिंगर के अंदर।
पिलार से चपटी करनी है क्वार्टर पिन को, फिर क्वार्टर पिन लगने के बाद में तीनों फिंगर कंप्लीट होगा। फिर इसको तीनों फिंगर में क्वार्टर पिन लगाने के बाद में तीनों की क्वार्टर पिन इस तरीके से मोड़नी है आपको। फिर फिंगर को और तवे के बीच में लगाना चाहिए। इसमें आपको ये फिंगर कंप्लीट हो चुके हैं तीनों, ये तवे और फिंगर के बीच में ऐसे लगाना चाहिए। यहाँ पे क्वार्टर पिन लगाना चाहिए, पिन के बाद क्वार्टर पिन लगेगी। यहाँ पे ये तीनों फिंगर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। ये पिलार से इसको क्वार्टर पिन को अच्छी तरह मोड़नी है, पिन से चिपकानी है क्वार्टर पिन को। फिर ये तीनों फिंगर चेक कंप्लीट हो चुके हैं, लाके सबके अच्छी तरह चेक कर लेना। लाके चेक करने के बाद में फिर उसके बाद आपको स्प्रिंग इस तरीके से बिठानी है, स्प्रिंग उल्टी सीधी का ध्यान रख लेना। स्प्रिंग का बड़ा मुंह ऊपर रहेगा और छोटे वाले मुंह नीचे रहेगा स्प्रिंग के। स्प्रिंग को बिठाते समय पे याद रखना स्प्रिंग किस तरीके से बैठना चाहिए, स्प्रिंग फिटिंग करने पे उल्टी स्प्रिंग नहीं लग जाए, स्प्रिंग सीधे लगना चाहिए। यह आपकी स्प्रिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके जो अल्टर बोल्टू है, अल्टर बोल्टू आपको इधर से साइज नाप कर नया अल्टर बोल्टू लगाना है आपको। इस तरीके से आपको पेचकस से नाप कर अल्टर बोल्टू को, नट के और अल्टर बोल्टू की दूरी नाप कर आपको इसको तवे के अंदर लगाना है। ये अल्टर बोल्टू काय के है, ये पिटोसाफ्ट वाला अल्टर बोल्टू है। जो पिटोसाफ्ट के क्लच प्लेट लगती है वो अल्टर बोल्टू पिटोसाफ्ट वाले है ये। इसको इस तरीके से टाइट करना है, सभी अल्टर बोल्टू सभी एक ही नाप से टाइट करना है इनको, सबका नाप एक ही चाहिए अपनों को। इस तरीके से नापना सबको अल्टर बोल्टू की साइज। फिर आपको हम जानकारी देंगे फिंगर कैसे मिलाए जाते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। ये तवा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसमें वाइसर भी चल जाते हैं, वाइसर भी आपको नए लगाना है। इसमें अगर 12 स्प्रिंग रहे तो आपको 3 स्प्रिंग निकाल देना चाहिए। अगर क्लच आपका हार्ड है तो 9 स्प्रिंग कर देना चाहिए, इसके अंदर क्लच आपका लूज हो जाएगा। ये गौर करने वाली बात है, अगर क्लच आपका हार्ड है तो 12 स्प्रिंग है उसे 9 स्प्रिंग कर सकते हो आप इसके अंदर। तवा इस तरीके से फिटिंग करना चाहिए। इसके बाद क्लच प्लेट का ऊपर बड़ा वाला मुंह ऊपर रहना चाहिए क्लच प्लेट का। फिर ये तवा है पिटोसाफ्ट वाला, इसको आप तवा बोल सकते हो, पिटोसाफ्ट क्लच प्लेट का। इसको बोल सकते हो बिल्ली बिल्ली स्प्रिंग भी बोल सकते हो, डायफ्राम भी बोल सकते हो उसको। फिर ये फिंगर इस तरीके से रखकर फिर इसमें आपको स्प्रिंग लगानी है, 9 स्प्रिंग इस तरीके से फिटिंग करनी है, नई स्प्रिंग लगानी है आपकी। अगर पूरी तरह क्लच प्लेट अगर ख़त्म हो जाती है 9 स्प्रिंग डालना ज़रूरी है। इसमें लगती है 12 स्प्रिंग है, क्लच हल्का करने के लिए आप 9 भी स्प्रिंग लगा सकते हो। और स्प्रिंग अलग अलग कलर की आती है, अलग अलग साइज की आती है। और ये फ्रेश प्लेट का तवा इस तरीके से फिटिंग करना है आपको। ये पूरा पूरी असेंबली फिटिंग हो गई है प्रेशर प्लेट की। इस तरीके से फिटिंग करनी है आपको। अब पुलर फिटिंग करना है इसमें, और पुलर की चेकनट टाइट करनी है हैंडल वाली। इस तरीके से टाइट करना है इसको कि पूरा फिंगर दब जाए। इसे कसते समय पर इसके तवे की ध्यान रखना है, इन नुक्खों की, ये नुक्खे टूट नहीं जाए दबाते समय पे। ये नुक्खे टूट जाएगा तो तवा नया डालना पड़ेगा। अगर इस तरीके से इसकी ध्यान रख के लगाओगे तो तवा नया डालना पड़ेगा। सिर्फ फिटिंग सही साठ तरीके से होना चाहिए। फिटिंग किस तरीके से होती है, इस तरीके से फिटिंग होती है। फिटिंग तरीका सही रहना चाहिए। ये इसमें पिने इस तरीके से लगानी है, पिनों के
क्वार्टर पिन फिटिंग करनी है पिनों के अंदर। ये इस तरीके से पिने दबा के लगानी है और इसमें क्वार्टर पिन लगानी है। फिर इसके अंदर ऊपर लॉक पिन लगेगी ऊपर से। ये लॉक पिन भी आपको लगा के बताएंगे किस तरीके से लॉक पिन लगती है। इसमें पिन के अंदर एक कटाव दे रखा है, वो कटाव अंदर साइड रहना चाहिए, बाहर साइड ये घुमा रहा हूँ मैं इसको, कटाव अंदर साइड करना है और बाहर साइड उसका पिन का जो गाला मिल जाएगा आपको। आपको लॉक पिन लगानी है, लॉक पिन इस तरीके से लगेगी, लगा रहा हूँ मैं। लॉक पिन का आपको होल मिला के लगाना पड़ेगा, इस तरीके से लॉक पिन लगती है इसकी। ये होल मिल चुका है, लॉक पिन लग चुकी है, फिर ये कंप्लीट हो चुका है। फिर से प्लेट का तवा ढीला हो गया, कंप्लीट करे बाद आपको तवे को बाहर निकालना है। ये प्रेशर प्लेट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, असेंबली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको नोज स्प्रिंग अच्छी तरह चेक करनी है, गाले में बैठेगी नहीं बैठी स्प्रिंग चेक करनी है, स्प्रिंग को गाले में बिठानी है सही साथ। स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग एक आध आउट है तो उसको मुकाम पे बिठानी है आपको। हमेशा फिटिंग सही होना चाहिए, फिटिंग अगर सही रहेगी सामान सर्विस सही साल्ट रहेगी। अगर फिटिंग अगर आपकी सही है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें मेन काम क्या रहता है, मेन फिंगर मिलाना। फिंगर की क्या साइज रहती है आपको हम मिला के बताएंगे अभी। ये फिंगर किस तरीके से मिलता है ये भी समझाएंगे आपको। ये प्रेशर प्लेट का तवा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये इसका अल्ट्रा वोल्ट लग रहा है फिंगर के। इन अल्ट्रल बोल्टों को अगर अपन आपके पास अगर टूल नहीं है तो बिना टूल के भी मिला सकते हो इनको। ये बिना टूल के मिलेगा आपको 11 mm में मिलेंगे बिना टूल से। अल्ट्रा बोल्ट मिलेंगे मेन वाले मिलेंगे 11 mm में मेन के फिंगर। ध्यान रखना 11 mm में मेन वाले फिंगर मिलेंगे। इस तरीके से तीन ही बोल्टों मिलाना है आपको। और इसके जो पीटो शाफ्ट के वो आपके मिलेंगे 2 mm में। पीटो शाफ्ट वाले फिंगर मिलेंगे आपके 2 mm में। 11 mm में आपको मिलाना है मेन वाले, और पीटो वाले मिलाना है आपको 2 mm में। ध्यान रखना इसका। इसको कंप्लीट करे बाद आपको अच्छा टाइट करने के बाद इसमें फेविकिक वगैरह डालनी है आपको। फेविकिक डालोगे उससे खुलेगा नहीं है। तवा इस तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। ये फिंगर की साइज में नाप रहा हूँ, ये मेरा अंदाज है, अंदाज से नाप रहा हूँ मैं, मगर mm में आपको बता रहा हूँ 11 mm में आपको फिंगर मिलाना है और 2 mm में आपको उसके मिलाना है पीटीओ वाले। बेरिंग भी चेक कर लेना, रिलीज बेरिंग इस तरीके से लगाया जाता है, नया बेरिंग लगाना चाहिए ग्रीस लगा के। इसकी दोनों स्प्रिंग लगाना चाहिए। ये क्लच प्लेट है नई वाली, ये ओरिजिनल क्लच प्लेट आती है कंपनी की अपने टेपी की। इसको कंप्लीट करना है और इसमें बेरिंग के अंदर ऐसे इस तरीके से ग्रीस भरना चाहिए। बेरिंग में इतना ग्रीस भरना चाहिए कि क्लच प्लेट पे ग्रीस ना आ जाए, अपनी क्लच प्लेट ख़राब हो जाए, ग्रीस लिमिट का भरना है। उसके बाद क्लच प्लेट को इस तरीके से रख के तवा लगाना है। तवा इस तरीके से फिटिंग करना है आपको। इस तरीके से पूरा तवा आपका कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने 2 mm में अंदर वाले फिंगर भी मिला दिए और 11 mm में बाहर वाले फिंगर भी मिला दिए है। और इसके
क्लच प्लेट की दोनों की सेंटर भी मिला दिया है और इसमें फेवक्यू वगैरह भी डाल दिया है मैंने, और ये 6 वोल्ट मैंने प्रेशर प्लेट के टाइट भी कर दिया अच्छे लपक के। सब काम अपना कंप्लीट हो चुका है, कोई भी आइटम रह नहीं जाए कसने के लिए, वो ध्यान से काम करना चाहिए आपको। अब ये दोनों फीस जोड़ के बताएंगे, इस तरीके से फीस जोड़ा जाते हैं। ये अंदर की सेटिंग आपको बताई थी मैंने, बाहर की सेटिंग जो कलच की है वो 1 इंची करीब प्ले रखनी है आपको, और इस तरीके से आसानी से इसको फिटिंग करना है। आसानी से अगर फिटिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लच प्लेट का सेंटर मेन मिलना चाहिए, क्लच प्लेट का अगर सेंटर सही साट है तो आसानी से फिटिंग होने में तक हो जाएगा। इसका सेंटर रहना चाहिए ऊपर नीचे, अगर इंजन का सेंटर नीचे है तो ऊपर करो उसका, और गियर का नीचे है तो ऊपर करो उसको। इसका सेंटर दोनों का मिलना चाहिए, दोनों का सेंटर मिल जाएगा फट क्लच प्लेट दोनों आपस में फिटिंग हो जाएगी, और दोनों ट्रैक्टर और गियर बॉक्स आपस में जॉइंट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको काम करना है। ये जॉइंट मिल चुका है इसका। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी है, आप इसको देखते रहना, आपको हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी, और आपको जो भी जानकारी हमसे चाहिए कमेंट बॉक्स में ले सकते हो, और हमको कभी बता सकते हो आप।